तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडबी एप्लीकेशन के ऊपर। दोस्तों यहां पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि क्रेडबी का अकाउंट जो है हमको परमानेंटली बंद करना है, तो कैसे बंद किया जाता है इस पर वीडियो ला दो। तो गाइस ये वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पे है। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्रेडबी का जो अकाउंट है वो एक मिनट के अंदर अंदर आप बंद कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि क्रेडबी एप्लीकेशन एक RBI रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, NBFC पार्टनर है। यहाँ पर अगर आप लोन लेते हो तो आपको दिक्कत तो कुछ भी नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत सारी बैंकों से टाई अप है इस एप्लीकेशन का, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि 25,000 रुपये तक का मेरा लोन चल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। बाकी का मैं प्रोसेस बताऊँगा कैसे आपको जो है अकाउंट बंद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 25,000 रुपये का लोन जो है एक्टिवेट है। अब सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, देखो भाई बड़े गौर से वीडियो देखना, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप क्रेडबी का अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना लोन क्लियर करना पड़ेगा। मतलब जो मेरा ये लोन चल रहा है, जैसे कि आपका भी कोई लोन चल रहा होगा ना, सबसे पहले उस लोन को आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करने के बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, आपको आ जाना प्ले स्टोर पर, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर प्ले स्टोर पर आ जाता हूँ मैं और यहाँ पर क्रेडबी सर्च करता हूँ, ठीक है। क्रेडबी अपडेट भी मांग रहा है, अपडेट कर देते हैं। अब इसके बाद डेवलपर कॉन्टैक्ट में help@credbi.in लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर इस पेज पे आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में लिखना है अकाउंट परमानेंटली क्लोज रिक्वेस्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, अकाउंट परमानेंटली क्लोज रिक्वेस्ट। अब नीचे क्या लिखना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, डियर क्रेडबी टीम आई एम नॉट इंटरेस्टेड दिस कार्ड। मतलब यहाँ पर जो आपका अकाउंट बनाया जाता है वो एक कार्ड के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, डियर क्रेडबी टीम आई एम नॉट इंटरेस्टेड दिस कार्ड, सो आई एम रिक्वेस्ट प्लीज डिलीट माई अकाउंट एंड डाटा परमानेंटली, ठीक है। अब यहाँ पर अकाउंट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड जीमेल आईडी एंड लास्ट की जो लोन डिटेल्स है वो शेयर करनी है, और यहाँ पर आपको सेंड कर देना है क्रेडबी की टीम को और अपने रजिस्टर्ड जीमेल आईडी से। हो गया आपका अकाउंट बंद? नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। अब यहाँ पर करना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई यहाँ पर जैसे ही आप अपना लोन क्लोज करवाते हो, जो आपका लोन चल रहा है क्रेडबी में, जैसे आप लोन क्लोज करवाते हो, अगर आप इंस्टेंटली इस मैसेज को सेंड करोगे क्रेडबी की टीम को, तो भैया यहाँ पर आपका लोन जो है वो क्लोज नहीं होगा, और मतलब लोन क्लोज हो जाएगा, आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा। आप कैसे अकाउंट क्लोज होगा, तो देखो सबसे पहले तो मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो बिल्कुल रियलिटी के साथ बता रहा हूँ, आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लोन को फाइनली जो है वो रिपेमेंट कर देना है, और रिपेमेंट करने के बाद आपको 15 दिन बाद, वैसे तो क्रेडिट भी कह रही है 7 डे के टाइम के बाद, लेकिन मैं आपको 15 दिन बोल देता हूँ, ठीक है। 15 दिन के बाद आपको ये मेल करना है जो मैंने आपको लिख के बताया है, ठीक है। 15 दिन के बाद इस मेल को आप जैसे सेंड करोगे, उसके बाद क्रेडबी की तरफ से एक मेल आएगा जिसमें लिखा होगा कि हम आपके डाटा को तो डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि क्रेडबी आपके डाटा को 5 साल तक सेव रखती है। 5 साल अगर आप क्रेडबी के अकाउंट को नहीं यूज करोगे तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, ठीक है। 5 साल तक सेव रखेगी, तो डाटा तो वो क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको डीएक्टिवेट करवा सकते हो अकाउंट को। तो आपको दोबारा से मेल लिखना है जिसमें लिखना है अकाउंट डीएक्टिवेट क्लोज रिक्वेस्ट, और यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि डिलीट माई अकाउंट एंड ऑल डाटा की जगह पर आपको लिखना है प्लीज डीएक्टिवेट माई अकाउंट इमिडिएटली, ठीक है। ऐसा लिख करके आपको फिर से सेम कुछ लिखना और सेंड कर देना है। भैया 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली नहीं होगा, लेकिन डीएक्टिवेट हो जाएगा 5 साल तक के लिए। आपके पास में ना कोई मैसेज आएगा, ना कोई ईमेल आएगा, ना कुछ होगा, और 5 साल आप इसको यूज मत करना, अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। यही एक प्रोसेस है, दूसरा कोई भी प्रोसेस नहीं है क्रेडबी की तरफ से, ठीक है। तो बस यार वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है तो बिंदास कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।